भोजपुरी गायक रिंकू ओझा को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू पर आरोप है कि उसने आरा में डिप्टी मेयर को गोली मारी है, इसी वजह से पुलिस ने इस भोजपुरी गायक को हिरासत में लिया है। इस सिलसिले में दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, साथ ही एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस उससे भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। वैसे डिप्टी मेयर बसंत सिंह के बयान के बाद ही पुलिस ने रिंकू ओझा समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद SP ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SDPO सदर संजय कुमार के निगरानी में एक SIT का गठन किया। टीम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए भोजपुरी गायक रिंकू ओझा सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया। इधर गोली लगने से जख्मी हुए डिप्टी मेयर की स्थिति में सुधार हो रहा है। वैसे अगर रिंकू ओझा की बात करें तो वो भोजपुरी के जाने माने गायक हैं। रिंकू धार्मिक गीतों के साथ ही होली और छठ के गीतों को रिमिक करके भी गाते हैं। होली जैसे त्यौहार पर तो उनके गीत खूब सुनने को मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि डिप्टी मेयर पर बीते सप्ताह उस वक्त जब वो सुबह तकरीबन 4:30 बजे घर के बाहर टहल रहे थे, ठीक उसी वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उनके ऊपर गोली चला दी। खैर, इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई इसमें रिंकू सिंह का हाथ था या फिर उसे शक के बिराब पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।